आज मैं यूट्यूब की पेमेंट लेके आई बैंक से, तो मेरी यूट्यूब की पेमेंट भी आ गई है। तो कितने आए गिन के बताती हूँ आप लोगों को। तो ये आए मेरे तो हस्बैंड जी और मैं जा रहे हैं, तो उधर से छोटी बहन आ रही है जो मेरी जेठानी बनने वाली है, तो उसी की शॉपिंग रह रखी। रेट एक ही है बस डिजाइन अलग अलग आएंगे। ये मोजड़ी देख रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं नीलम नेगी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नीलू ब्लॉग उत्तराखंड में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। प्रणाम प्रणाम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, शॉपिंग वगैरह बची थी कुछ, तो अभी काफ़ी चक्कर लगाने हैं मार्केट के, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा सामान रह रखा है। तो हस्बैंड जी और मैं जा रहे हैं, तो उधर से छोटी बहन आ रही है जो मेरी जेठानी बनने वाली है, तो उसी की शॉपिंग रह रखी थी, तो उसी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ मैं, क्योंकि उसके साथ का कोई है नहीं तो उधर की साइड से, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो कुछ और सामान भी लेके आना है हमें यहाँ का, तो मार्केट चलते हैं। तो नीचे चौरी में जा रहे हैं हम लोग, तो वहीं से गाड़ी में जाएंगे, चलते हैं मार्केट। वीडियो को कंटिन्यू मैं सीधा मार्केट जाने के बाद ही करूँगी, ऐसे में वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको मार्केट जाने के बाद। अभी हम लोग यहाँ मार्केट में भी पहुँच गए हैं, तो सिस्टर भी मिल गई है मुझे, तो अब सामान लेते हैं जल्दी जल्दी से, टाइम काफी हो गया और काम थे निपटाने को, वो निपटाए। तो अभी सामान अभी ले रहे हैं हम लोग, तो चलते हैं मार्केट की तरफ, जल्दी जल्दी से लेते हैं जो भी सामान बचा है हमारा। थोड़ा बहुत सामान हमने ले लिया है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो सामान लेते हैं। अभी हम लोग दुकान में आ गए, तो इसी दुकान से लेके जाने हैं हमें कपड़े। तो सिस्टर को भी कपड़े ले जाने हैं, जेठानी जी को अपने शादी के लिए, तो ये भी दियाणी को देने के काम आएंगे जो ये लेके जा रही है। तो हम भी इसी दुकान से शॉपिंग करी थी हमने भी, तो इसको भी हम यही दुकान में लेके आए, क्योंकि ये दुकान हमें सबसे अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो भी सामान मिलता है काफ़ी अच्छा और क्वालिटी का मिलता है, और हमारे दाम के अनुसार मिल जाता है। तो इसी दुकान में आते हैं हम लोग, तो ये इस दुकान में मैं चार बार आ गई हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे कपड़े भी पैक करवा दिए, तो मम्मी के लिए स्वेटर देख रहे हैं, तो मम्मी के लिए स्वेटर भी ले लिए हैं, तो ये सारे कपड़े पैक करवा दिए हैं हमने। तो यहाँ की आधा शॉपिंग भी हो गई है, तो अब दूसरी शॉप में चलते हैं, जो भी सामान रह रखा है उसको लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे अभी बिलिंग हो रही है, तो देखते हैं कितने का बिल बनता है। तो हम तो परसों काफ़ी ज़्यादा कपड़े लेके गए थे, तो आज थोड़ा कम ही थे कपड़े, तो अभी कपड़े ले लिए, तो दूसरी दुकान में चलते हैं जल्द से, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। यहाँ से हमने सारे कपड़े ले लिए हैं, इनके भी थे कपड़े लेने देने के थे, जो कपड़े वो हो गए हैं। तो अभी इसके जो मेकअप वगैरह है रह रखा, तो उसको ले लेते हैं जल्द से, काफ़ी टाइम हो गया इधर ही आज ये। तो अभी हम कॉस्मेटिक की दुकान में आ गए, तो यहाँ से लेके जा रहे हैं हम इसके लिए मेकअप का सामान जो शादी में लगता है। वैसे हम लोग ज़्यादा मेकअप करते नहीं है, पर शादी में जो भी है ले जाना पड़ता है, यूज़ शादी के दिन ही करते हैं हम लोग, वैसे हम ज़्यादा मेकअप लगाते नहीं है। तो जल्दी से यहाँ से भी सामान लेते हैं जो भी है, जितना भी हमें ज़्यादा कुछ पता तो है नहीं, फिर भी मतलब यहाँ पे बुक रखी हुई है, तो इस बुक के अकॉर्डिंग लेके जा रहे हैं हम जो भी सामान होगा, तो जल्दी जल्दी से रखवाते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग।
अभी यहाँ से शॉपिंग भी होगी है तो इसकी शादी के लिए सैंडल लेते हैं हम लोग यहाँ से। अभी दुकान पे भी आ गए हैं, दुकान वाले अंकल पता नहीं कहाँ है, तो इसके चप्पल लेते हैं, उसके बाद पूरी शॉपिंग कंप्लीट होगी। तो वीडियो बनाने का भी बिल्कुल टाइम नहीं लगा आज, इसको फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं गाड़ी वालों के, काफ़ी लेट हो गया इसको। उस वाली दुकान में इसको चप्पल पसंद नहीं आए तो इस वाली दुकान में आ रखी है, तो यहाँ पे मोजड़ी डाल रखी है, तो मोजड़ी पहन रही है ये। पहन ना मोजड़ी, कैसी लगती है तेरे पैर में? अभी ये मोजड़ी देख रही है, तो मोजड़ी ज़्यादा गांव के लिए अच्छी नहीं होती, पहाड़ों में ठीक नहीं लगती, तना चीजें अलग। तो ये वाली सैंडल आई देव की को पसंद, तो काफी हाई हील है इनमें, इतनी इतनी हील। अभी छोटी बहन कुछ दिनों में जेठानी बन के आने वाली है हमारे घर पे, तो देव की को कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है रे तुझे? गाड़ी मिली अच्छा चलो, तो ये बोल रही गाड़ी मिलेगी नहीं तो अच्छा लग रहा है बोला। आज काफी ज्यादा टाइम हो गया, 2:30 बज गया है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं वो पर, इनके यहाँ की गाड़ी जाने वाली है। गाड़ी वाले का फोन भी आ रहा है, पापा का फोन भी आ रहा है, घर से जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा इसको, जल्दी से करते हैं इसके बिलिंग, उसके बाद चलते हैं हम लोग। वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं 8 बजे से, तो अभी टाइम लग रहा है क्योंकि बाजार से आने के बाद खाना वगैरह बनाया, बर्तन वगैरह धुले, तो काफ़ी टाइम हो गया था, लाइट भी नहीं थी, अभी आ रही है लाइट थोड़ी देर पहले, तो आज मार्केट का काम भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं लगा, लेट में गए थे हम, 11 बजे हम मार्केट में पहुँचे, उसके बाद थोड़ा बहुत काम देवकी का रह गया था। तो आज मैं यूट्यूब की पेमेंट लेके आई बैंक से, तो मेरी यूट्यूब की पेमेंट भी आ गई है, तो कितने आए गिन के बताती हूँ आप लोगों को। तो ये आए मेरे 25 से 30 हज़ार के बीच में आई मेरी YouTube की पेमेंट, तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी YouTube की पेमेंट आ गई है। हस्बैंड जी गिन रहे हैं मेरी YouTube की पूरी पेमेंट कितने आए, देखते हैं, मेरी मेहनत रंग ला गई है फाइनली, तो काफ़ी खुशी हो रही है, हस्बैंड जी को भी हो रही खुशी, कितनी खुशी हो रही है आपको? इनको काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, इनकी खुशी आप इनके चेहरे पे देख सकते हो, तो इनको पैसे गिनने में गड़बड़ी हो रही है। जो भी सामान था देवकी का, जेठानी जी का, मतलब छोटी बहन जो जेठानी बनने वाली है, वही आ रखी थी मार्केट, तो उसी का सामान लिया हमने थोड़ा बहुत, वहाँ के भी कपड़े थे दो दियाणियों को लगते हैं वो वाले कपड़े ले गई वो लेके, और उसका कॉस्मेटिक का सामान रह गया था थोड़ा बहुत, अभी पार्लर का सामान मतलब जो भी है शादी के कुछ सामान बचे हैं, तो एक दिन पार्लर के पास जाएगी वो, थोड़ा बहुत अपना फेस डेंट पेंट करवाएगी फेस पे। तो ये मेरी यूट्यूब की पेमेंट नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रही थी, ये पैसे मेरे नहीं हस्बैंड जी के है, तो मार्केट का आज जो भी काम था थोड़ा बहुत वो निपट गया है, सिस्टर की शॉपिंग भी हो ही गई, अब थोड़ा बहुत रह गया, एक दिन जाना होगा मार्केट, उसके बाद मतलब सारी शॉपिंग हो ही गई है, तो यही थी शॉपिंग बची, अभी हस्बैंड जी की शॉपिंग रह गई है, जो भी घर का सामान वगैरह है वो भर के लाना है, तो यही जाएंगे अब मार्केट, मेरा कुछ काम नहीं बचा है मार्केट का, तो यही था जो भी था सामान रह रखा हमारा। तो अभी क्या ही वीडियो बनानी है, कुछ वीडियो बनाने को तो है नहीं, वीडियो को एडिट कर लेती हूँ, तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आए होगा, पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।